तो आज मैं बना रही हूँ जूती लेडीज़ के लिए, जो कि सर्दी में पहनने के लिए काम आएगी। अब मैंने क्या किया है, ये सबसे पहले एक कागज़ ले लिया, उसके ऊपर अपना पैर रख के ऐसे और उसके चारों तरफ निशान लगा लिया, ठीक है। और उससे आधा आधा इंच एक्स्ट्रा रख के फिर एक निशान और लगा लिया और उसको हमने यहाँ से काट लिया, ठीक है। अब हम लेंगे कपड़े, ये लिया है मैंने मोटा थोड़ा फैब्रिक लिया है, ऐसे दो पीस तो ऐसे रख के काट लेंगे और दो पीस इसको ऐसे उल्टा कर लेंगे, क्योंकि दो उल्टे पैर के बनानी है, दो सीधे पैर के बनानी है, तो इसलिए दो इस साइड से बना लेंगे ऐसे, ठीक है। तो कुल हमें चार बनानी है, दो इस पैर के, दो इस पैर के, ऐसे। अब हमें बनानी है लाइनिंग जो इसके अंदर लगाएंगे हम, ये भी इसी तरह से हम चार बना लेंगे, दोनों पैरों की दो दो। फिर हम क्या करेंगे, पहले ये वाला पीस रखेंगे, उसके ऊपर एक लाइनिंग का और एक और लाइनिंग का रख रहे हैं हम, ताकि ये मोटा हो जाए और चलने में आराम रहे। इसके बाद ये रखेंगे, ठीक है। इस तरह से ये चार लेयर हो जाएंगी। अब हम इसको चारों तरफ से सिल लेते हैं। ये देखिए, ये सिलाई कर ली चारों तरफ और ये हमारे दोनों पीस ऐसे तैयार हो गए। अब हमें यहाँ से चौड़ाई नापनी है पैर की, जैसे यहाँ रखेंगे हम और पैर को गोलाई लेके ऐसे हम नाप लेंगे, ठीक है। तो ये 5.5 इंच आ रहा है यहाँ पे और इसकी लंबाई है 9.5 इंच। तो हम एक पीस लेंगे जिसकी लंबाई 9.5 इंच रखेंगे और चौड़ाई जो हमने ली थी 5.5 इंच, उसकी जगह हम 6.5 इंच रखेंगे, 1 इंच ज़्यादा ले लेंगे। अब इसको चौड़ाई की तरफ से फोल्ड कर लेंगे ऐसे, और बंद साइड से, ये देखो ये खुली साइड है, बंद साइड से हम यहाँ लंबाई लेंगे 5.5 इंच, 5.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ से 1 इंच पे, ये हमने ऐसे निशान लगा लिया और यहाँ पे हम नीचे ऐसे गोलाई दे देंगे। अब हम इसको इसी तरीके से काट लेंगे, ये अब ऐसे दो पीस काट लेंगे और दो पीस लाइनिंग के काट लेंगे सेम ऐसे ही, ये देखिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको खोल लेते हैं, इसको हम रखेंगे ऐसे और इसके ऊपर रखेंगे इसको और हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद मैं दिखाती हूँ। अब ये सिलाई करने के बाद यहाँ पे ऐसे इसको अब सीधा कर लेंगे, अब ऐसे पूरा फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पे इधर से लेके पूरा यहाँ तक सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पे भी सिलाई लगा ली और किनारों पे भी पूरे में सिलाई लगा ली और ये दो पीस तैयार कर लिए। अब हमें क्या करना है, इसको उल्टा करके इसको जोड़ लेना है, यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए, ये सिलाई करने के बाद हम इसको रखेंगे ऐसे उल्टा और ये मैंने नीचे की साइड ले ली है अब आपको दिखाने के लिए। इसको हम यहाँ रखेंगे बिल्कुल नीचे बीच में और ऐसे सिलाई करते चले जाएंगे, इसके किनारे किनारे पे रख के ऐसे यहाँ पे सब जगह सिलाई लगाते रहेंगे ऐसे। और ये देखिए, ये यहीं पे ही आके ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसे दोनों में हम सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए, ये चारों तरफ से सिल ली हैं, ठीक है। अब ये हो गया हमारा। अब इसमें हमें कट्स लगानी है ताकि इसको हम सीधा करेंगे तो ये आराम से सीधा हो जाए, ऐसे गोलाई में जितने भी हो सके, इधर भी और पीछे की तरफ भी, ठीक है।
ये अब हम इसको ऐसे पलट लेंगे। ठीक है, अब ये बन गई हमारी कपड़े की जूती। इसको आप गर्म कपड़े से भी बना सकते हो और सर्दी में इसको आराम से पहन के आप घर में काम करो। मैं अभी इसको पहन के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारी जूती बनकर हो गई तैयार। अब हम इसको कहीं भी किचन में, घर में लेके पहन के घूम सकते हैं, चाहे सॉक्स के ऊपर पहन ले, चाहे ऐसे ही पहन ले। ठीक है, अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल डिसेंट आर्ट बाय हिना को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।